नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट के लिए आवेदन किया था, रिक्रूटमेंट जो था इसका, जिसमें आपकी 3,632 वैकेंसीज थी, यानी 3,632 वैकेंसीज थी ऑफिसल असिस्टेंट और अदर वैकेंसीज के लिए, तो उसका लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अगर आप लोगों ने अब तक आवेदन नहीं करा है मद्रास हाईकोर्ट के लिए, तो आप लोग आवेदन जरूर कर लें। देखिए, यहाँ पे जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल है आपका हाईकोर्ट आपका मद्रास के लिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी आपकी, आप देख सकते हैं 3,632, यानी कि 3,632 नोटिफिकेशन नंबर इसका देख सकते हैं। और आप लोग आवेदन, इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है दोस्तों 9 जुलाई तक रखी गई है, 9 जुलाई तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं, तो बढ़ा दी गई है 9 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये पब्लिश हुआ था 18 अप्रैल को हुआ था वैसे, ठीक है, तो आप लोगों के पास काफ़ी समय आ गया है, आप लोग इसे लास्ट डेट तक एक्सटेंड कर दिया है इसे। और ये लास्ट डेट का एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन कल ही आउट हुआ है 5 जून को, तो 9 जुलाई तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और अदर स्टेट के, यहाँ पे मद्रास तमिलनाडु की ये जॉब थी, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन 8वीं मांगी गई थी, 8 पास होने चाहिए आप, और यहाँ पे आप साथ में आप तमिल आपको आती हो, तमिल आपको आना यहाँ पे ज़रूरी था, यहाँ पे आपको तमिल आना ज़रूरी था, यहाँ पे अप्लाई आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग अगर जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल की बात करूँ यहाँ पे मद्रास की, यहाँ पे आपका मद्रास का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग 18 अप्रैल से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट पर दी गई है। यहाँ पे आपकी जो फीस रखी गई है दोस्तों, आपकी बैकवर्ड क्लास जो BCM होते हैं, MBC और DC के लिए 500 रुपये हर एक पोस्ट के लिए, और यहाँ पे SC ST वालों के लिए कोई यहाँ पे फीस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उसके लिए टोटल एग्जेम्पशन रखा है, कोई फीस नहीं है, पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन रहेगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मद्रास हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे काफ़ी सही जॉब है, 1911 आठवीं पास आप होने चाहिए, 15,000 से लेकर 50,000 तक आपकी सैलरी बनेगी, 18 साल से लेकर 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें वॉचमैन की, तो 496 हैं, तमिल आपको आती हो, 18-35 एज लिमिट हो, 15,000 से लेकर 50,000 तक आपकी रहेगी सैलरी। वॉचमैन की 185 सेम, आप रीड और राइट लिख और पढ़ सकते हो तमिल, और यहाँ पे 18 साल से 35 साल तक आपकी एज रहेगी, 15,000 से लेकर 5,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, 50,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। तो नाइट वॉचमैन जो आपका कम मसलचली होता है, वो उसके लिए 108 वैकेंसीज हैं, तमिल आप बोल सकते हो बिकॉज आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 18 साल से लेकर 35 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए, 15,000 से लेकर 5,000 तक 50,000 तक सैलरी बनेगी। स्वीपर की 189 सेम, तमिल आपको आती हो, और यहाँ पे 18 साल से लेकर 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, 15,000 से लेकर 5,000 तक। यहाँ पे आपका मसलचली के लिए 485 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 485, यहाँ पे भी आपको तमिल आनी चाहिए, तमिल के लिए आप लिख सकते हो बोल सकते हो, 18 साल से 35 साल तक एज होनी चाहिए, 15,000 से लेकर 5,000 तक। सैनिटरी वर्कर के लिए भी 110 हैं, आपको तमिल आनी चाहिए बोलना और लिखना, यहाँ पर 18 साल से 35 साल 15,000 से 5,000 तक यहाँ पर सैलरी बनेगी सेम। गार्डनर के लिए भी आपकी 28 वैकेंसीज है, सेम आपको तमिल लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, 15,000 से लेकर 5,000 तक बनेगी आपकी सैलरी, 18 साल से लेकर 35, तो लगभग सब में ही 18 साल से लेकर 35 तक एज मांगी गई है, और 15,000 से लेकर 50,000 तक सब में ही सैलरी आप लोगों की लगभग बनेगी। और कॉपीस्ट अटेंडेंट की 3 पोस्ट, वॉचमैन वाटरमैन और वाटर वूमेन की आपकी 1 पड़ती हैं केवल, ऑफिस कम जो फुल टाइम का होता है वॉचमैन उसके लिए केवल 1 पद है, वॉचमैन कम मसलचली उसके लिए 15 है, स्वीपर जो क्लीनर क्लीनिंग करता है उसकी 18 वैकेंसीज है, और स्कैवेंजर स्वीपर की केवल 7 वैकेंसी। तो वैकेंसी डिटेल मैंने आपको बता दी है, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप लोग चेक कर सकते हैं, अरियलपुर में 26 है, चेन्नई में 243 है, कोयम्बटूर में 150 है, कोडापुल्लोर में 131 है, धर्मपुरमा में 94 है, दिंडीगुल में 122 है, इरोड में 166 है, कांचीपुरम में 179 है, कन्याकुमारी में 59 है, करूर में 65 है, कृष्णागिरी में 58 है, मदुराई में 244 है, नगरीपट्टी में 56 है, नमक्कलाल में 86 है, पेराम्बलूर में 64 है, पुदुकोट्टई में 116 है, और यहाँ पे आपकी रमनापुरम में 119 है, और सलेम में आपकी 145 है। यहाँ पे सिवागंगई में 91 है, थेनाजुबूर में 92 है, नीलगिरी में 65 है, थेनी में 67 है, तिरुनेलवेली में 144 है, तिरुवल्लर में आपकी 105 है, तिरुवरूर में आपकी 164 है, यहीं आपकी थूथाकुडी में आपकी 101 है, तिरुचिपाली में 157 है, तिरुपुरूर में आपकी 156 है, तिरुवन्नामलाई में 67 है, वेल्लोर में 81 है, और बिल्लीपुरम में 217 है, और आपकी विरुधानगर में आपकी 110 है, यानी 110 है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट के मैंने सारे जो लिंक है वो दे दिए डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, और इस वीडियो में, और नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देख लेना कैसे आवेदन करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।